सात दिन पहले मैंने एक नया YouTube शॉर्ट चैनल शुरू किया। चैलेंज के पहले दिन इस चैनल पर सिर्फ 4 सब्सक्राइबर थे एंड अब इस 7 डेज चैलेंज के बाद इस चैनल पर 3K से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड कुछ वीडियोस पे तो मिलियंस में व्यूज हैं। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि मैंने इस 7 डेज शॉर्ट चैलेंज में ऐसा क्या किया जिससे ये चैनल इतनी जल्दी ग्रो हो गया, ताकि तुम भी अपना खुद का शॉर्ट चैनल सही तरीके से ग्रो कर सको। Day 1, क्रिएटिंग ए चैनल। सबसे पहले मुझे अपने चैनल के लिए एक नीच डिसाइड करना था। एक YouTube चैनल के लिए नीच बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एंटरटेनमेंट नीच और एजुकेशनल नीच। मैंने एंटरटेनमेंट नीच को चूज किया क्योंकि इस कैटेगरी में ग्रोथ काफी फास्ट होती है और इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी इजीली मिल जाते हैं। अब हमने नीच तो सिलेक्ट कर लिया, बट कॉन्टेंट कौन सा अपलोड करें? कॉन्टेंट भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है रिपर्पस्ड कंटेंट, जिसमें आप किसी और के वीडियो में अपना कुछ फ्लेवर डालकर उसे रिक्रिएट करते हैं। एंड सेकंड है ओरिजिनल कंटेंट, मतलब आपका खुद का बनाया हुआ कंटेंट। मैंने रिपर्पस्ड कंटेंट को सिलेक्ट किया। अब मुझे एंटरटेनमेंट नीच में वायरल कंटेंट ढूंढना है जो मैं रिक्रिएट कर सकूं। इसलिए मैंने यूट्यूब को प्राइवेट विंडो में ओपन किया एंड शॉर्ट फीड्स पर गया। फिर मैं वहाँ 3 घंटे तक स्क्रोलिंग किया ताकि मैं मोस्ट वायरल शॉर्ट्स का पता लगा सकूं। वायरल नीच का पता लगाने के लिए तुम्हें 20 मोस्ट वायरल शॉर्ट्स को लेना है। अब तुम्हें उनमें से एक ऐसा नीच ढूंढना है जो उस 20 वायरल शॉर्ट्स में सबसे ज्यादा कॉमन हो। मेरे केस में ज्यादातर वायरल शॉर्ट्स स्पोर्ट्स नीच में थे। इसे देखकर मैंने डिसाइड किया कि मेरा चैनल भी स्पोर्ट्स नीच में होगा एंड स्पोर्ट्स में मैंने फुटबॉल को सिलेक्ट किया बिकॉज ये सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है, इसीलिए इसमें मेरे ग्रो होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तुम जो भी नीच में इंटरेस्टेड हो उसी नीच के वायरल एंड ट्रेंडिंग शॉर्ट्स को ढूंढो, क्योंकि तुम्हें उस नीच में ज्यादा नॉलेज होगी और तुम अपने चैनल को इजीली ग्रो कर पाओगे। अगला स्टेप है अपने चैनल के लिए एक लोगो और एक बैनर क्रिएट करना, जो तुम कैनवा, पिक्सल लैब या पिक्सआर्ट से इजीली क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरा लोगो और बैनर बहुत ही सिंपल है। तुम्हें भी चैनल ब्रांडिंग पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि ये तुम्हें व्यूज लाकर नहीं दे रहे। इससे पहले मैं फुटबॉल शॉर्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट करूं, मैंने कुछ घंटों तक इस नीच को डीपली एनालाइज किया कि इस नीच में कौन से टाइप के वीडियोस ज्यादा चल रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का स्टाइल क्या है और कौन से टाइटल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन सब चीजों को डीपली स्टडी करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे शॉर्ट्स बेस्ट फुटबॉल मूवमेंट्स या हाइलाइट्स के ऊपर होंगे, क्योंकि ये अभी के टाइम पे वायरल है बिकॉज लोग बेस्ट गोल्स देखना पसंद करते हैं, चाहे उन्हें उस प्लेयर के बारे में पता हो या ना हो। अब आपको अपना पहला शॉर्ट्स क्रिएट करना है, बट वेट, इस तरह के शॉर्ट्स अपलोड करने से तो कॉपीराइट आ सकता है ना, या फिर आगे चल के मोनेटाइजेशन में भी दिक्कत हो सकती है। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका भी एक सोल्यूशन है जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने शॉर्ट्स को सही तरीके से एडिट करें, नहीं तो ये रीयूज्ड कंटेंट के अंदर आ जाएगा एंड आप उसे मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। मैं पर्सनल तौर पर अपने शॉर्ट्स को एडिट करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें अच्छी तरीके से एडिटिंग आती है। लेकिन आप स्टार्टिंग के टाइम पे कैपकट और काइनमास्टर जैसे प्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ फुटबॉल शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको उसका लॉन्ग वीडियो ढूंढना पड़ेगा जिस वीडियो का क्लिप आप अपने शॉर्ट्स के लिए यूज करोगे एंड आपको उस लॉन्ग वीडियो को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब देखते हैं कि मैंने Day 1 में क्या क्या किया। Day 1 में मैंने कुछ घंटे एक नीच पर रिसर्च किया, एक चैनल बनाया और एक शॉर्ट्स क्रिएट किया। अब इन सब चीज में आपका कितना टाइम लगेगा ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। मुझे YouTube शॉर्ट्स बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बिकॉज मैंने कई एजेंसीज के लिए शॉर्ट्स क्रिएट किया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट तरीके से शॉर्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ। Day 2 में मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया और एक गोल सेट किया कि मैं हर दिन एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा शॉर्ट्स आप पोस्ट करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपका शॉर्ट वायरल हो जाए। आपको 1 से 3 शॉर्ट्स डेली अपलोड करना है और चैनल पे कंसिस्टेंट रहना है। Day 3 से Day 7 के बीच मैंने शॉर्ट्स बनाते हुए अपना स्टोरी टेलिंग स्किल टेस्ट किया और नए एडिटिंग ट्रिक्स भी ट्राई किया। आपको सबसे ज्यादा ध्यान ऑडियंस रिटेंशन पे देना है और इसे डे बाय डे इम्प्रूव करते रहना है, क्योंकि ये आपके शॉर्ट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में आपको डिटेल में अपना एडिटिंग प्रोसेस दिखाने वाला हूं, ताकि आप सबसे अलग और बेहतर कंटेंट बना सकें। जब आप 30 डेज तक कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स अपलोड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके चैनल पे क्या चल रहा है और क्या नहीं, और आपको अपने वीडियो के एनालिटिक्स को सही से एनालाइज करना है ताकि आप अपने कंटेंट पर फोकस करके और ज्यादा वायरल शॉर्ट्स बना सकें। अब वक्त आ गया है आपको इस 7 डेज शॉर्ट चैनल के रिजल्ट्स दिखाने का। पहले दिन मुझे लगभग 3K व्यूज मिले, दूसरे दिन लगभग 7K व्यूज। वॉच आवर्स का ग्राफ भी ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन मेरा स्वाइप टू वॉच रेशियो बहुत कम है। इसे भी मैं आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे रिसेंट शॉर्ट्स पर एक दिन में ही 7.5K व्यूज आ चुका है। यहाँ तक कि मेरे सभी शॉर्ट्स पर बहुत कम टाइम पे अच्छे व्यूज भी आ रहे थे, बट फिर धीरे धीरे व्यूज कम होने लगे। ये सेम चीज आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको इससे बिल्कुल भी घबराना
घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक नए शॉर्ट्स चैनल के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि YouTube आपके चैनल के लिए अलग अलग ऑडियंस टेस्ट कर रहा है कि आपके चैनल के लिए सही ऑडियंस कौन सी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे दूसरे चैनल पर शॉर्ट्स किस तरह परफॉर्म कर रहे थे जब YouTube ने मेरे चैनल के लिए सही ऑडियंस ढूंढ लिया। पहले मुझे मेरे हर शॉर्ट्स पर 3 से 7 हजार व्यूज आ रहे थे और लगभग 100 से 300 लाइक्स भी मिल रहे थे एक वीडियो के हिसाब से। लेकिन अब मुझे मेरे हर शॉर्ट्स पर हजारों व्यूज और लाइक्स आते हैं, जबकि मैंने वो चैनल सिर्फ 1 महीने पहले ही शुरू किया था। लेकिन अगर आपके शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसका सिर्फ 2 रीजन हो सकता है, या तो आपके शॉर्ट्स में कुछ गड़बड़ है या फिर यूट्यूब एल्गोरिदम आपके चैनल के लिए सही ऑडियंस नहीं ढूंढ पाया है। मैं इस चैनल पर कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करता रहूंगा ताकि अगले 3 हफ्ते तक मैं इसे मोनेटाइज कर सकूं। अगर आप इस जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोनस टिप नंबर 1, इमेजिन करो जब कभी आप YouTube पर स्क्रॉल कर रहे होते हो तो खुद से एक सवाल करना कि जिस भी स्पेसिफिक चैनल को आप देख रहे हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, उन्होंने कितने वीडियोस अपलोड की, कब वीडियोस अपलोड की, कैसे वीडियोस अपलोड की, वीडियो के लिए आइडियाज कैसे मिले, उनके वीडियो की एडिटिंग स्टाइल क्या है। आपको उनके हर एक चीज को डीपली एनालाइज करना है। बोनस टिप नंबर 2, आपको व्यूज और लाइक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ, आपने सही सुना, जब आप अभी अपना न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो व्यूज और लाइक्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। अलग अलग नीचेस में व्यूज का डिफरेंस हो सकता है। जरूरी ये है कि आप अपने हर शॉट से कुछ नया सीखें और अगला शॉट और भी बेहतर बनाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप सिर्फ अपने कंटेंट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं।